नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद कर्ण में आपका स्वागत है। वीडियो आगे चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंप्यूटर विद कर्ण। ठीक है, आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। पेंट में हम लोग पढ़े हैं फाइल मेन्यू पढ़ लिए, जिसमें हम न्यू कैसे हम नया पेज लेंगे, कंट्रोल एन ओपन, कोई भी फाइल कैसे खोलेंगे, या फिर सेव एज, प्रिंट, ये सब हम लोग पढ़ लिए हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे एडिट ऑप्शन में, एडिट EDIT एडिट मेन्यू है। इस एडिट मेन्यू के अंतर्गत सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल नहीं, सेलेक्ट ऑल है। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इमेज इन करेंट ओपन फाइल, यानी जो फाइल खुला हुआ है, जो पेज खुला हुआ है, उसके अंतर्गत हम सेलेक्ट ऑप्शन के माध्यम से, सेलेक्ट ऑल के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कट। कट जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, सेलेक्टेड टेक्स्ट जितने भी हैं, जितने भी सेलेक्टेड टेक्स्ट हैं या फिर इमेज हैं, केवल टेक्स्ट ही नहीं, इमेज भी अगर है सेलेक्टेड, कुछ भी है सेलेक्टेड, उसको कट करेंगे। हम यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से सामने से तो कट कर लेते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ये मौजूद होता है। कट ऑप्शन का उपयोग करने के बाद हमारे सामने से एट ए टाइम हट जाता है, बट कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद होता है। उसको दोबारा लाने के लिए हम क्या करेंगे, पेस्ट, पेस्ट। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू पेस्ट आफ्टर यूजिंग कट या कॉपी ऑप्शन। कट या कॉपी ऑप्शन जब प्रेस कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम पेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+V, इसका शॉर्टकट है Ctrl+X। ठीक है, सेम है, इसके आगे है कॉपी, जो अभी हम यहाँ कॉपी ऑप्शन देखे हैं। कॉपी मतलब डुप्लीकेट होता है। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज को, टेक्स्ट या इमेज को
सेलेक्ट कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए, मेक डुप्लीकेट, सेलेक्टेड टेक्स्ट इमेज मेक डुप्लीकेट, इसका शॉर्टकट की है CTRL+C यानी कॉपी। ठीक है, डुप्लीकेट करेंगे कॉपी पे क्लिक करने के बाद, या कंट्रोल एक्स करेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज को, कंट्रोल एक्स करें एस सी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल भी करेंगे तो ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे है क्लियर, क्लियर है, क्लियर का मतलब होता है साफ करना। तो आफ्टर यूजिंग सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन यानी किसी भी, जब हम किसी भी टेक्स्ट या इमेज को सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को, नया नया वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंप्यूटर विद कर्ण। थैंक यू कंप्यूटर विद कर्ण। ओके दोस्तों, थैंक यू।